This twisted piece of metal is all that remains of cables. Literally, the way it has totally, broke upon. सबने अपनी तरह से एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है. अक्टूबर 30, 2022 को गुजरात के मोरबी में मच्छू रिवर के ऊपर स्थित ब्रिज कोलैप्स हो गया. इस दिल दहलाने वाले हादसे में 140 लोगों की जान भी चली गई. सभी एक चीज से बहुत शॉक में हैं कि ये ट्रैजिक इंसिडेंट का कॉज क्या है. आज के साइंस इनसाइट में हम जानते हैं कि ये ब्रिज बिना मल्टीपल पिलर के बिल्ड हुआ और इस कोलैप्स होने के पॉसिबल रीजन को एक्सप्लोर करते हैं. इस ब्रिज की जो टोटल लेंथ है वो 230 मीटर के अप्रोक्सीमेटली है और इसे मोरबी के फॉर्मर रूलर वाजी ठाकुर ने 1879 में बिल्ड करवाया था. दुनिया में कई तरह की ब्रिज एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से सस्पेंशन ब्रिज भी एक इसी टाइप का ब्रिज होता है. सस्पेंशन ब्रिज की कुछ स्पेशलिटी है, जैसे उसे कई आसानी से बनाया जा सकता है और कम पैसों में कहीं भी लगाया जा सकता है और बिना मल्टीपल पिलर के ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी कवर कर लेता है. इस सस्पेंशन ब्रिज में कई प्रकार के होते हैं और उनमें से एक सिंपल सस्पेंशन ब्रिज पेडेस्ट्रियन को वॉक करने में मदद भी करता है. सिंपल सस्पेंशन ब्रिज की वर्किंग एक हैमॉक से बिल्कुल सिमिलर है. हैमॉक एक कपड़े का बना होता है और उसे दो पेड़ों के बीच में बांध दिया जाता है. हैमॉक के ऊपर दो तरीके की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक होती है वर्टिकल फोर्सेस. सस्पेंशन ब्रिज की ऊपर भी यही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एक्ट होती हैं. सिंपल सस्पेंशन ब्रिज को मल्टीपल डेक पैनल से कनेक्ट कर पैनल्स को मेन केबल से जोड़कर कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इसमें केबल्स को ब्रिज के दो एंड में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बीम से कनेक्ट कर देते हैं और इन केबल्स के स्टील वायर को बनाया जाता है और इसमें टन्स ऑफ वेट को विस्टैंड करने की काबिलियत होती है. लेकिन ये ब्रिज कई कंडीशन में फेल हो सकते हैं. नंबर 1, मैकेनिकल रेजोनेंस की वजह से और नंबर 2, ओवरलोड की वजह से. 1831 के अप्रैल में इंग्लैंड के ब्रॉडन सस्पेंशन के ऊपर सोल्जर्स मार्च कर रहे थे. ड्यू टू देयर मार्च एंड द ब्रिज फ्रीक्वेंसी दोनों रेजोनेंस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी इंजरीज भी हुई. ये एग्जांपल था मैकेनिकल रेजोनेंस से फेलियर का. मैं मानता हूं कि आप एक औरत या किसी के गाने से वाइन का ग्लास तोड़ रहे वीडियो को देख चुके होंगे. इसके पीछे का रीजन है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है और हम उसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी में चिल्लाएं तो वो ग्लास वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली वो टूट भी जाता है. सिमिलरली ब्रॉडन ब्रिज की भी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी और सोल्जर की मार्चिंग उस फ्रिक्वेंसी का एकदम पास ही नजदीक आते ही जिस कारण ब्रिज को वाइब्रेट हुआ एंड फाइनली वो कोलैप्स हो गया. और इस तरह वाइब्रेट और फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करने की टेंडेंसी को हम मैकेनिकल रेजोनेंस को बोलते हैं. मोरबी गुजरात के ब्रिज की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कुछ लोग इस ब्रिज को इंटेंशनली शेक भी कर रहे थे. ओवरलोड इस हादसे की दूसरी पॉसिबल कॉज बताया जाता है. मेजॉरिटी सोर्सेज ये कहते हैं कि ब्रिज की कैपेसिटी थी सिर्फ 100 से 150 लोगों की, लेकिन उस समय 400 से 500 लोग उस ब्रिज पे ओवरक्राउडेड किए गए थे. इस ओवरलोड की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में इंक्रीज हुआ और इसके चलते सपोर्टिंग बीम्स बेंड होकर ब्रिज को कोलैप्स कर देते हैं. इस इंसिडेंट में 140 लोगों की जानें गई हैं और कई सारी फैमिलीज इससे अफेक्ट भी हुई हैं. अभी तक इस ब्रिज के कोलैप्स के पीछे का कॉज पता नहीं कर पाए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है. अनफॉर्चुनेटली हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हादसों के फ्यूचर में रोकने के लिए हर सिटीजन, अथॉरिटीज और गवर्नमेंट सबको एकजुट होकर सेफ एनवायरनमेंट को बिल्ड करने का प्रयास करना पड़ेगा. वी कैन चेंज द पास्ट बट टुडे लेट्स प्लेज टू क्रिएट अ सेफ कंट्री.